अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एनिमल अर्थ से आपका मेज़बान रिजवान अली राना। आज हम आए हैं यहाँ पे, बड़ा मोहम्मद वाला गांव है, वहाँ पे कुत्तों की रेस लगी हुई है, रेस का मुकाबले हो रहे हैं। तो अपने नाज़रीन को मैंने कहा कि आज आपको कुत्तों की रेस दिखाता हूँ, तो जो विन कर रहे हैं उनसे भी आपका तारुफ करवाऊँगा, कैसा महसूस कर रहे हैं जीत के। तो नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के बटन को दबाएं ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो नाज़रीन, आज ये भाई हमारे साथ आए हैं, तो ये इनका अभी ब्लड क्वीन, इनकी कुत्ती का नाम कुत्ती है, अभी ये विन करके आई है, आपको वीडियो में भी दिखाऊँगा इनकी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक ठाक भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आपका ये कुत्ती का? कहाँ से आए हैं आप? हम इधर फैसलाबाद मकवाना से। मकवाना से ही हैं, पास से ही आए हैं। जी जी, ठीक। तो ये आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे क्या इसकी केयर करते हैं, कैसे आप इसको प्रैक्टिस में कौन कौन सी चीज़ें इसको? केयर इसकी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसको तकरीबन 7 किलोमीटर तोड़ते हैं, सुबह को वॉक कराते हैं, ठीक हो गया। और बाद में इसको 1 किलो कीमा, शाम को सुबह को 1 किलो दूध और 1 अंडा। ये डेली की रूटीन है कि मतलब डेली इसने दूध भी खाना, कीमा भी खाना और अंडे भी खाने? तो ये कितनी है, इसकी उम्र कितनी, एज कितनी है? 3 साल। 3 साल है। तो ब्रीड भी करवाते हैं आप इसको? ब्रीड करवाते हैं। तो ठीक हो गया, आप अब नेक्स्ट फाइनल राउंड में आप क्वालिफाई कर गए हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह। ठीक हो गया, तो ठीक हो गया भाईजान, अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? रजाना से। स्पेशली इधर आप दौड़ के लिए लेके हैं? जी जी। तो क्या बना आपके? हार गया जी। हार गए? हाँ। तो कैसे तासर आते हैं आपके? कुछ नहीं, अफसोस हो रहा है जी। अफसोस तो होता है ना। तो क्या अफसोस? सानू को नहीं, बच्चा कोई। अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, आप आए ना इधर, आप दूर क्यों जा? तो क्या आप मतलब के कितनी मेहनत की थी आपने इसको? मेहनत तो बहुत ज्यादा की थी। चलो, इस टाइम गलती की है तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। तो क्या गलती आपने, क्या सीखा? क्या आपने सीखा? ये है कि ये सफेद पट्टे में नहीं दौड़ता, रेड पट्टे में ज्यादा दौड़ता। ये पट्टे का भी कोई कॉन्सेप्ट है इसमें? जी। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? जो नाम पहले आता है उसमें रेड पट्टा होता है, और जो नीचे आता है उसमें सफेद पट्टा होता है। नहीं, ये तो भागने के बाद पता चलता है ना? जी, ये भागने के बाद ही पता चलता है कि ये पट्टे का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, होता है ना? अच्छा, तो डर तो नहीं जाता रेड से? नहीं नहीं, डरता नहीं। तो क्या खिलाते क्या है आप इसको? गोश्त और दूध, सुबह को दही भी देते हैं, शाम को डेली कीमा, कभी सब्जी उसमें डाल लेते हैं, कभी गोश्त। सही, ये डेली रूटीन है इसकी? जी डेली। तो आप डेली इसको कितनी वॉक करवाते हैं, भगाते हैं कितना? 5-6 किलोमीटर। 5-6 किलोमीटर डेली की? जी। इसका स्टेमिना पक्का करते हैं? जी। तो आप ये बता सकते हैं, बच्चा लिया था या बड़ा ही? बच्चा लिया, बच्चे पाले। तो हमारे नाजरीन को ये बताना चाहेंगे कितनी इसकी प्राइस, कितनी का, कितनी कीमत? इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, अंदाज़ा तकरीबन बताना, 4-5 लाख से कम नहीं मिलता ये। अच्छे वाला 4-5 लाख इसकी? जी, ये कंट्री ब्रीड है। इंपोर्टर की तो ज्यादा है ना, ये 9-10 लाख में आता पाकिस्तान। अच्छा, जो कंट्री ब्रीड है वो इतने के 4-5 लाख ही मिलते हैं? जी। सही, तो चलें, बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम आप अल्लाह आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, कैसे हैं आप भाई? ठीक ठाक। लगता है खुश खुश आ रहे हैं, जीत गए हैं। खुश तो वीर हर कोई होता जो जीत जाइए। जीत जाए जब ना, तब भी जो हार जाए बंदा फिर होता आंदा सारा साल दी सबर करना पैंदा, मेहनत कीती जाया जांदी। सारा साल मेहनत करते हैं आप इस पे? गर्मियां तो बहुत ही करनी पैंदी, सर्दी नालों सर्दियां भी होई ते भजना दौड़ना बहुत पैंदा। गर्मियां भी करते हैं इसकी? हाँ। दौड़ लगती है मैच होते हैं? नहीं, गर्मियां दौड़ नहीं होंदी, वैसे कुत्ते सामने पैंदे बहुत। तो या क्या नाम, क्या इसका? इतना चित्रा मस्तू। चित्रा मस्तू है, कहां से आए हैं? टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह। तो कैसा फील, कैसा लग रहा है? अल्लाह का शुक्र, बहुत चंगा कुत्ता भेजे। अच्छा, चंगे कुत्ते ना। तो क्या खिलाते पिलाते क्या इसको? खोने नानू जी, रोटी थोड़ी होती, गोश्त ज्यादा होता। गोश्त ज्यादा होता है? हाँ जी, कीमा नमा। अच्छा, बड़ा गोश्त या छोटा गोश्त? छोटा। हाँ जी। सुबह में वॉक भी करवाते होंगे इसके? 5-6 किलोमीटर डेली। साथ ही ऐसे जैसे बच्चों को भगाते हैं ऐसे ही अपने जानवर को भी भगाना पड़ता है? हाँ जी। तो आप बता सके बच्चा ही पाला है या? नहीं, ये इतना फैसलाबाद वड्डा ही रहा, उन्होंने नकाम किया, असी फिर तैयार दोबारा किया। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਕੰਡਾ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸਿਗਰਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਖੱਤੇ ਵਾਲੇ ਸਿਗਰਟ? ਹਾਂਜੀ, ਸਿਗਰਟ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਜੰਗਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਿਤਨੇ ਮੇ ਲਿਆ ਥਾ ਆਪਨੇ? ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ।
वैसे अगर लेना चाहें हम तो कितने में हमें कितने में मिलेगा ये? ये उन्ना तो वैसे 2.5 लाख का लिया जी, अगों पता नहीं हुण किन्ने दा मिलदा सानू। सही है। हाँ जी। कंट्री ब्रीड है ये? ये कंट्री ब्रीड, इंपोर्टेड नहीं है। नहीं। हाँ जी। ठीक हो गया भाई जान। ठीक है। कल फाइनल खेलेंगे आप? हाँ जी। चले जी। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। अस्सलाम जी। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। तो आप इधर रेस में आए हैं? जी, ये शौक पूरा करने आए हैं। अच्छा, शौक तो लेके हो गया आपका मैच अभी का? नहीं, नहीं बस अभी ना दो नंबर है, बाद में फिर हमारी बारी है तीसरी नंबर पे। तो कहाँ से आए हैं आप? हम फैसलाबाद से आए हैं। फैसलाबाद से? रेल बाजार से, शहर से। रेल बाजार से। और ये रखी खैर वहाँ पे ना गाँव में हुई है। अच्छा, अमीपुर बंगले में। ठीक, अमीपुर बंगले से हैं जी। अमीपुर। तो क्या इसकी आप डाइट वगैरह बताएंगे आपके? क्या खैर ये काफ़ी खैर महंगा शौक है ये ग्रे हॉन्ड का। ये खैर इम्पोर्टेंट सेक्शन के ना बच्चे होते हैं ये, वाइट सी इनके ब्रॉड सी आती है ये। सही। तो ये कंट्री ब्रीड है या इम्पोर्टेड है? नहीं, ये कंट्री ब्रीड है ये। ठीक है। इम्पोर्टेड की ये ब्रीड है, लेकिन ये खैर पाकिस्तान में ना ब्रीड हुई ना, इसलिए कंट्री ब्रीड हो जाते हैं। तो क्या खिलाते पिलाते क्या है इसको? खिलाते खैर ये ज़्यादा गोश्त इनकी ना, जो मीट ही इनकी फीड है। मीट ही है? मीट फीड। छोटा या बड़ा? दोनों दोनों देते हैं, मौसम लिहाज से होता है। तो अब ये इस टाइम ये फुल तैयार है, फुल फॉर्म में है जी, बिल्कुल। हाँ जी। क्या तासरात क्या है आपके, कैसा रहेगा आगे? अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आप एक बंदे को होता है ना, बंदा कहता है कि मेरा बात वो ना, इनके ना काफी नामी गर्मी ब्लड है इनका, इनके जो माँ और बाप। कौन सा ब्लड है? इनके जो माँ और बाप है ना, जो वो काफ़ी हमारे पास ना काफ़ी पुराने हैं, वो तकरीबन ना माशाल्लाह काफ़ी रेसिंग भी नहीं की है, वो भी चैंपियन रह चुके हैं माशाल्लाह। हाँ जी। मैग्नेट माइक है, आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं, वो इसका फादर है। सही। और इसकी मदर जो है वो लेडी क्वीन है। लेडी क्वीन, लेडी क्वीन है वो। इसका क्या नाम है? इसका नाम है, इसका खैर पाकिस्तान में हम लोग काली सपना, काली सपना, काली सपना रखा हुआ नाम इसका। चलें, बेस्ट ऑफ लक सर, आप अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। इंशाल्लाह।